हरकत में आए पंजाब सरकार, जागे भारत सरकार, गृह मंत्री राजनाथ जी को अभी तक ये पता चल गया होगा कि अमृतसर में एक लेखक सर्वजीत गुमान ने पंजाब के पुलिस मुखी, पंजाब में आतंकवाद लड़ने वाले और लोगों की जिंदगी, पंजाब की खुशहाली, देश की अखंडता बचाने वाले केपीएस गिल पर एक किताब लिखी है और उसमें उसको पंजाब का बुचड़ कहा है। वैसे किताब लिखने वाला किस मानसिकता का बंदा है पता लगता है, वो जो मैगजीन निकालता ही है वो सेपरेटिस्ट पंजाब है या अलगाववाद की बात करता है। पंजाब की जनता अभी से सावधान हो, हमारा बहुत पवित्र स्थान है श्री अकाल तख्त साहब, जो मीरी पीरी का संदेश देता है, जो गुरु हरगोबिंद जी ने स्थापित किया था एक बड़ा तख्त दुश्मनों से, देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए। वहाँ पर अगर श्री दरबार साहब के एक धार्मिक गुरु इस किताब का विमोचन करते हैं तो मुझे हैरानगी है। 24 घंटे हो गए, न पंजाब सरकार ने कोई कार्रवाई की, न केंद्र सरकार के कान अभी तक खुले नहीं लगते हैं। ओ देशवासियों, सारे मिलके आवाज उठाओ, पंजाब और देश को आतंकवाद से बचाने वाला हमारा हीरो, उसको उसके देहांत के बाद, उसके स्वर्गवास के बाद ये कहा जाता है, गिल साहब के टाइम पर जो चूहों की तरह अपनी बिलों में बंद थे, वे आज सड़क पर आकर ऐसी भाषा बोल रहे हैं। बाहर बोलते तो कोई दर्द नहीं था, लेकिन ये हमारे पवित्र स्थान दरबार साहब के अंदर श्री अकाल तख्त साहब पर इनका इतना हौसला पड़ा और इनकी किताब को धार्मिक गुरु विमोचन करते हैं, ये देश को नहीं सहना चाहिए। ये हर व्यक्ति को जो भारत भक्त है, जो देशभक्त है, जो आतंकवाद का विरोधी है, उसको बोलना चाहिए। वो आम नागरिक है, पंजाब सरकार है या भारत की सरकार है। देशवासियों, अभी से संभल जाओ। जय हिंद, जय भारत।